केदारनाथ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केदारनाथ का उपचुनाव बीजेपी के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। सरकार ने वहां अपने सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया है। जब केदारनाथ में आपदा आई तो जान पर खतरा देखते हुए बीजेपी का कोई भी मंत्री और विधायक वहां के लोगों का दुख बांटने नहीं गया। जहां तक घोषणाओं की बात है तो अभी भी मुख्यमंत्री की 350 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं हैं जो सिर्फ विकास पुस्तिकाओं में शोभा बढ़ा रही हैं। सरकार चाहे जितनी भी खोखली घोषणाएं कर ले, केदारनाथ के लोग अभी भी उन मुद्दों को नहीं भूले हैं जिन पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, जिससे वहां के स्थानीय निवासी सदमे में है। चाहे वो दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना करना हो या फिर मंदिर से सोना चोरी का मामला। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके पैरों से केदारनाथ भी फिसल रहा है, इसीलिए चुनावी पुलाव उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं। पहले बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार का मंगलौर और अब केदारनाथ में जिस तरह से लोक लुभावने घोषणाएं योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता ये भूली नहीं है कि जब उनके वहां आपदा आई थी तो एक मंत्री, एक विधायक, एक पदाधिकारी आपका उनका सुख दुख बांटने के लिए या उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। सबको अपनी जान के खतरे की पड़ी रही। और तो और, जो आपने अपमान केदार बाबा का किया है, चाहे वो आपने सोना चोरी प्रकरण में आपकी उदासीनता हो, चाहे वो QR कोड मामला हो, चाहे वो गर्भगृह से मान्यताएं और परंपराएं तोड़ने का मामला हो, फिर चाहे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करके शिव के महात्म को कम करने की आपकी कुत्सित योजना हो, फिर चाहे वो दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहाँ केदार धाम का एक प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास हो, ये सारी वो बातें हैं जिससे केदारनाथ विधानसभा की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं और उसने आपके हाथी के दांत देख लिए हैं, खाने के भी दिखा।